तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है, या किसी प्रकार की भी समस्या असिस्टेंट और गाइडेंस या वन टू वन इंटरेक्शन के लिए, आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर विथ योर नेम एंड योर ईयर, आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज, मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव अधिकार शिक्षा के बारे में। तो अगर आप मानव अधिकार शिक्षा को बीएड या डीएलएड या एमएड स्तर पर पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही उपयोगी है, ख़ास तौर पे अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी, एमडीयू, एमएसडीयू में हैं, तो वहाँ पर तो ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो इनको ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिए। सेम क्वेश्चन और मानव अधिकार शिक्षा यानी कि ह्यूमन राइट एजुकेशन के अगर आपको नोट्स इंग्लिश में चाहिए, तो आप एक मामूली शुल्क के साथ में हमारे यहाँ से वो परचेज भी कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर उसके हिसाब से हम सॉल्यूशंस करेंगे। तो फटाफट से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर उनका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने जो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का पेपर, हो सकता है कि ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एमएसडीयू में या फिर सीसीएस जैसी यूनिवर्सिटीज में ये फोर्थ सेमेस्टर में पूछा जाता होगा, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये हो सकता है अलग सेमेस्टर में, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और एमएसडीयू यूनिवर्सिटी और एमडीयू के हिसाब से ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। तो आप देख लीजिए, ह्यूमन राइट एजुकेशन है, लेकिन अगर ये आपके इस सेमेस्टर में नहीं यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में नहीं है, तो किसी न किसी सेमेस्टर में आपको ये पढ़ने को जरूर मिलेगा। तो प्रश्न के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके कहीं ना कहीं जब भी आप पढ़ेंगे ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि पूछा गया है कि गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन, यानी कि मानव अधिकार हनन का कोई एक उदाहरण दीजिए। और अगला प्रश्न है व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म ह्यूमन राइट, तो मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। ये दोनों प्रश्नों को हम एक बार में देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान दें तो मानव अधिकार उल्लंघन का अर्थ होता है ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें कि मनुष्य के जो मूलभूत अधिकार उसके संविधान द्वारा, प्रशासन द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मान्य अधिकार हैं, उनका जब आपको उनका प्रयोग करने से, उनका उपयोग करने से आपको प्रतिबंधित किया जाए, बाधित किया जाए या आपको किसी भी प्रकार से रोका जाए, तो ये स्थिति जो होती है मानव अधिकार का उल्लंघन कहलाते। कुछ प्रमुख उदाहरण देख लें जहाँ पर आप समझ सकते हो कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि अपहरण। देखिए, हर एक व्यक्ति को जीवन में स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन अगर आपका कोई अपहरण कर लेता है, आपको बिना आपकी अनुमति के, बिना आपके इच्छा के किसी ऐसे स्थान पर रखता है या आपको प्रताड़ित करता, परेशान करता है, तो ये स्थिति भी है मानव अधिकार का उल्लंघन ही कहलाती है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, पुलिस द्वारा कई देशों में, कई राज्यों में, कई स्थानों पर ये देखने को सुनने को मिलता है कि पुलिस अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके जो व्यक्ति शायद अपराधी है भी नहीं या जिसके अपराध की अभी पुष्टि नहीं हुई, उन्हें जो है बिना किसी पर्याप्त सबूत के या सबूतों के अभाव में भी उन्हें ले जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके फिर उन्हें जो है आगे चल कर प्रताड़ित भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। तो मनमाने ढंग से जब गिरफ्तारियां होती हैं, तो ये भी एक स्थिति है आपके मानव अधिकार के उल्लंघन। इसके अलावा मुकदमे के बिना गिरफ्तारी, देखिए हर एक देश में, प्रशासन में, हर एक राष्ट्र का अपना एक नियम होता है कि किसी अपराधी को जब तक आप अपराधी घोषित ना कर दें, जिसके ऊपर अपराध के दोष लगे हैं, आरोप लगे हैं, उसे आप घोषित ना कर दें, तो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन कई बार पुलिस प्रशासन द्वारा, और ये विश्व के हर एक कोने में देखने और सुनने को मिलता है कि बिना किसी पर्याप्त प्रक्रिया के, बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए हुए ही जो है मुकदमे चलाए बिना ही जो है कई बार लोगों की गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको चोट पहुँचाया जाता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचा। तो ये भी स्थिति क्या है, एक तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन। राजनैतिक निष्पादन, राजनैतिक निष्पादन भी होता है। ये कैसी स्थिति है जहां की किसी व्यक्ति को राजनैतिक अधिकारों से जैसे उसको रोक दिया जाता है, जैसे आपका है कि आप मत डाल सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं,
आप अपना पार्टी बना सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी अधिकार जो कि राजनीति से संबंधित है, राजनीतिक स्तर पर अपने विचारों को व्यक्त करना, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता जो होती है उसका अगर उल्लंघन हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का ही उल्लंघन है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण, हत्याएँ और यातनाएँ अक्सर, तो देखिए हत्याएं, यातनाएं, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं भी मानव अधिकार के उल्लंघन में आती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका हम बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ दो पूछे, मैंने आपको चार पांच यहाँ बताया, आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड करें। इसके अलावा मानव अधिकार का अर्थ क्या है, ठीक है, मानव अधिकार ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आखिर आप मानव के अधिकार से समझते क्या है। सो यहाँ पर मानव अधिकार का तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन में, देखिए ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ए जस्ट अ मिनट, मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि एक मनुष्य के जीवन में ऐसे कोई भी अधिकार जो उसे स्वतंत्र होने में, उसे अपनी जीवन पूरी तरह से जीने में सम्मानपूर्वक और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करते हैं, वो सारे अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के मूलभूत अधिकारों के नाम से भी वर्णित है। तो भारत में इन अधिकारों को हम जो है मौलिक अधिकारों के रूप में भी जानते हैं। तो ये अधिकार भारत के भाग 3 के मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित हैं और इसे हमारे न्यायालय द्वारा भी इसको संरक्षित किया जाता है। ऐसे अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के फलस्वरूप भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किए गए हैं और देश के न्यायालय द्वारा परिप्रवर्तनीय हैं को भी मानव अधिकार कहा जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुछ ऐसे अधिकार सभी विश्ववासियों के लिए भी निर्धारित किए गए हैं और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो भी राष्ट्र हैं उन्होंने अपने अपने देश में उसे माना है तो वो अधिकार भी जो है आपके मानव अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार ना होना संबंधी अधिकार, महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। उदाहरण के लिए आप समझिएगा कि अगर किसी को किसी कारणवश जो है पुलिस के द्वारा या कहीं पर रोक लिया जाता है तो उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार हो, महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया जाए, उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया जाए, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों या किसी भी व्यक्ति के साथ में सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार हो, ये भी जो है मानव अधिकार की श्रेणी में ही आता है। मानव अधिकार देखिए सबको समान रूप से प्राप्त है, इसमें भी आप क्योंकि ये मानव अधिकार है तो सबको समान रूप से उपलब्ध है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हुआ चलो, आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर जो मैंने ऊपर अभी बताया वहाँ तक आप लिख सकते हो, तो अभी तक जब तक मैंने बताया यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो आप जो है यहाँ तक लिखिएगा यहाँ पर जस्ट अ मिनट। मानव अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त हैं और यहाँ पर ध्यान रखिए सबको समान रूप से प्राप्त है और इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग आधार के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये अधिकार सभी को जन्म से ही उपलब्ध, जन्मजात अधिकार है, ठीक है। तो मानव अधिकार को इस तरह से हम समझ सकते हैं, मैंने इसको और भी अलग से लिखा है, अगर आप चाहे तो थोड़ा इसको और बेहतर बना सकते हैं कि मानव अधिकार जो है क्या दो शब्दों के जोड़ से बना हुआ है, इसमें क्या है मानव और अधिकार। तो मानव अधिकार शब्द को पूर्णता से समझने के पूर्व अधिकार शब्द को समझना होगा, यानी कि मानव अधिकार के बारे में अगर आपको जानना तो सबसे पहले मानव के बारे में समझना होगा। ये थोड़ा फिलोसफिकल आंसर है लेकिन सही अंतर है कि मानव के अधिकारों को समझना तो पहले आप मानव को समझिए कि मनुष्य क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो अपने जीवन को स्वतंत्रता से, सम्मान से और प्रतिष्ठा से जी सकता है। जब हम मानव की इस परिस्थिति को समझ पाएंगे, इस वातावरण को समझ पाएंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझ पाएंगे तो संबंधित अधिकारों को फिर हम समझ पाएंगे और फिर उन्हें उपलब्ध कराने में या उनके बारे में बात करने में हम सक्षम हो पाएंगे। तो हेराल्ड के अनुसार अगर हम परिभाषा देखते हैं, हेराल्ड लॉस्की के अनुसार मानव अधिकार यानी कि ऐसे कोई भी अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिएगा बोसेके के शब्दों में अधिकार यानी कि मानव अधिकार की बात करें, वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो ये आप भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, शिक्षा का अधिकार। तो पहले मैं आपको प्रश्न दिखा, अब प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट इज राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार क्या है, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। और इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तीन प्रश्न हम एक साथ यहाँ करने वाले हैं, शिक्षा का अधिकार, उसके बाद यूनेस्को क्या है, यूनेस्को का पूरा नाम लिखे और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है वो, और इसके बाद दिव्यांग से आप क्या समझते हैं, ये तीन प्रश्न हम एक साथ देखेंगे।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि शिक्षा का अधिकार, देखिए शिक्षा यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, तो संविधान के 86वें अधिनियम 2002 में जो कि पारित हुआ था, 2002 ने भारत के संविधान में यानी कि एक संशोधन किया जिसके अनुसार अनुच्छेद 21 को एक नया, जो आप यहाँ समझिएगा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन में जो कि वर्ष 2002 में हुआ था, इसमें एक नया अनुच्छेद हमने जोड़ा 21 को 21A, एक ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर रहा है। मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया। तो शिक्षा का अधिकार अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि वर्ष 2002 में भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 86वें संविधान संशोधन से हुआ ये कि हमारे जो अधिकार है उनके अनुसार 21वें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 21A ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत जो भी बच्चा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु का है उसके लिए शिक्षा एक मुफ्त और अनिवार्य रूप से प्रदान की जाने वाली सुविधा होगी। तो हर एक राज्य को, हर एक स्थानीय प्रशासन को ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों को जो भी 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु में है उन्हें मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई सारे कठिन कदम भी उठाए, कठोर प्रावधान भी किए हैं। शिक्षा के अधिकार को एक संवैधानिक प्रावधान बनाया गया है और इसको लागू करने के लिए कई सारे कार्य भी किए गए। तो मूल रूप से देखेंगे तो मूल भारतीय संविधान के भाग 4 में, जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में, मैंने थोड़ा सा डिटेल में रखा ताकि आप पढ़ सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, रिपोर्ट में की गई थी। वर्ष 1993 में उन्नी कृष्णा जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तपस मजुमदार समिति जो कि 1999 में बनी थी, उन्होंने भी अनुच्छेद 21A को शामिल करने की अनुशंसा की थी। वर्ष 2002 में फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया और जिसे शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि इस अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया और जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहें तो यहाँ पर जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये मैं आपको आगे जो डिटेल क्वेश्चन आंसर होंगे वहाँ पर बताऊँगा। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को, यहाँ पे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन क्या है। तो यही प्रश्न था ना कि यूनेस्को का फुल फॉर्म बताएं और इसका मुख्यालय कहाँ है वो बताएं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पर संयुक्त यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। तो संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय यानी कि संयुक्त यूनाइटेड नेशन का ही एक भाग है, एक प्रमुख अंग है, जिसके अंतर्गत इसका प्रमुख कार्य है कि शिक्षा प्रकृति तथा समाज में विज्ञान संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा दिया जा सके, और ऐसी कोई भी गतिविधि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देता हो, वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देता हो, आपसी सहयोग और शांति की व्यवस्था को सुनिश्चित करने में मदद करता, उसे सहयोग देना। तो संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन जो है 16 नवंबर 1945 को किया गया था। तो विश्व, जब आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, ठीक उसके बाद एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होने लगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक शांति की व्यवस्था कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों को एक ले सके, इनके बीच में जो मतभेद है उसे दूर करने के प्रयास कर सके, तब यूनाइटेड नेशन की गठन की गई। और उसी क्रम में जो है 16 नवंबर 1945 को जो है आपका यूनेस्को का भी गठन किया गया। आइए देखते हैं इसका हेडक्वार्टर क्या है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है, तो पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी भी है, तो यहीं पर जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। एक प्रश्न और देखने को मिलेगा आपको, प्रश्न संख्या 5 है कि दिव्यांग क्या है, दिव्यांग शब्द का अर्थ क्या है। तो मैंने ना आपको यहाँ पे दिव्यांग शब्द का अर्थ भी बताया, और दिव्यांग और विकलांग में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए दिव्यांगता का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा कि दिव्यांगता का अर्थ होता है
कि अगर हमारे शरीर में दिव्यांगता को हम शरीर के किसी भी अंग की बनावट में कमी होने की स्थिति से जोड़कर देखते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक अक्षमता यानी कि अक्षमता किसी व्यक्ति की अलग अलग तरीके से प्रभावित होती है, यानी कि किसी व्यक्ति को जो शारीरिक अक्षमता होती है अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, जिसके कारण जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएँ करने में हम अक्षम होते हैं और हमारे दिन प्रतिदिन की कार्य जो क्रियाएं होती है वो प्रभावित होती है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अगर अपने दिन प्रतिदिन की कार्य करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसे हम दिव्यांग कहते हैं। तो वापस से पढ़ लेते हैं, दिव्यांगता को हम शरीर के किसी बनावट किसी अंग की बनावट में होने वाली कमी से रूप में देखते हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अक्षमता यानी कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, जिससे कि उसके दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं और इस स्थिति में उसे हम दिव्यांग कहते हैं। विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक होता है दिव्यांग और एक होता है विकलांग। विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित और अस्थि विकलांग मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं। अब पहले ना आपको दिव्यांग और विकलांग समझा देते हो तो आप दिव्यांग भी समझ जाएंगे। देखिए, जिसके हाथ ना हो वो दिव्यांग है, और जो हाथ होते हुए भी दूसरों की मदद के लिए ना उठे वो विकलांग है। जिसके पैर ना हो वो दिव्यांग है, और जो पैर होते हुए भी गलत रास्ते पर चले वो विकलांग है। यानी कि मतलब ऐसे समझिएगा कि अगर आपके पास वो अंग ही नहीं है तो आप दिव्यांग है। अगर आपके दो हाथ नहीं हैं, यानी कि अगर एक भी हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तो आप दिव्यांग है। लेकिन अगर आपके पास हाथ है और अगर आप अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते तो आप विकलांग कहलाएंगे। यानी कि काम तो है, विकलांग शब्द का अर्थ होता है विकारी अंग, इसको विकलांग को हम इस तरह समझते, विकारी अंग। अंग तो है, आंखें हैं लेकिन आप ठीक से देख नहीं सकते तो आप विकलांग कहलाएंगे। आंखें नहीं हैं तो आप दिव्यांग कहलाएंगे। कान है लेकिन आप सुन नहीं पा रहे ठीक से तो आप विकलांग कहलाएंगे। कान की सुनने की क्षमता ही नहीं है तो आप दिव्यांग कहलाएंगे। तो कान है ही नहीं तो आप दिव्यांग, पैर नहीं है तो आप दिव्यांग, पैर है लेकिन चल नहीं पाते तो आप विकलांग कहलाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग लड़खड़ा के चलते हैं, जिनके पैर है पोलियोग्रस्त है, वो विकलांग कहलाते हैं ना कि दिव्यांग। तो दिव्यांग का अर्थ है कि वो अंग ही आपके शरीर में नहीं है और जिसके कारण जो आप नॉर्मल जो साधारण व्यक्ति की तरह अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाएं नहीं कर पाते हैं, आपको उस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इस परिस्थिति को हम दिव्यांगता कहते हैं। लेकिन अगर वो अंग आपके पास है और आप काम नहीं कर रहे हैं, आपका सही प्रकार से वो काम नहीं हो रहा, तो आप विकलांग की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखिए, अंग नहीं है तो आप दिव्यांग हैं, अगर आपके पास अंग है लेकिन आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाते और आपको अपने जीवन में उससे समस्या का समाधान करना पड़ रहा है तो आप विकलांग कहलाएंगे, याद रखिए। अभी एक प्रश्न और है, वो भी हम यहाँ पर देख आगे यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांगता हमने देखा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे CAA जो कि काफ़ी प्रचलित था, वो भी हमें आप समझेंगे सारांश में। फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य क्या है उनको परिभाषित करेंगे, और सूचना का अधिकार क्या है, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे गरीबी के कुछ कारण पूछे, यहाँ पे एक कारण पूछा, हम कई सारे कारण यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को लेके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA का फुल फॉर्म है, मैं लिख देता हूँ आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जिसे हम CAA के नाम से भी सुनते हैं जानते हैं, बहुत ही चर्चा में था पिछले दो सालों में, और इसको आप समझते हैं। तो CAA का मतलब होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की संसद ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं बड़े अच्छे से आपको सारांश में बताने की प्रयास करूँगा कि CAA का मतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संसद ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु संशोधन किया है। आप समझिएगा कि भारत के जो भी पड़ोसी राष्ट्र है, जो कि जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहाँ की मुस्लिम जो है बहुसंख्यक है और दूसरे धर्म के मानने वाले लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उसके संबंध में एक प्रावधान किया है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसके तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, अब गैर मुस्लिम प्रवासी का मतलब कि जो
धार्मिक आधार पर मुस्लिम नहीं है। तो गैर मुस्लिम प्रवासी और इनमें भी 6 समुदाय जिसमें कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के संबंध में नियमों को सरल किया गया है, आसान किया गया। तो अगर आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और पारसी हैं, और अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं भारत में, तो अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए उसके संबंध में भारतीय जो संसद है उसने कुछ प्रमुख बदलाव किए थे जिसे हम CAA के नाम से जानते हैं। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम भारत में 11 वर्ष तक रहना जरूरी था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को और आसान बनाया गया है और अब भारत की नागरिकता को हासिल करने के लिए इस अवधि को 1 से लेकर 6 साल तक के बीच में निश्चित किया गया। तो अगर आप 1 साल भी हैं भारत में या 6 साल तक हैं तो भी आप जो भारत के नागरिक कहला सकते हैं। इसके संबंध में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ जस्ट आपके आंसर के हिसाब से, काफ़ी कुछ डिटेल में इसमें समझने के लिए है हमें, लेकिन आपके प्रश्न के हिसाब से आपको ये समझना है कि भारत के जो भी मुस्लिम पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 राज्यों से जो भी गैर मुस्लिम व्यक्ति भारत में आना चाहता है, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसके संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें भी कि 6 समुदाय निश्चित किए हैं, इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म को मानने वाले लोगों के बारे में। तो ये आपका CAA हो गया। मौलिक कर्तव्य, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे लिए कुछ मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए, ठीक उसी प्रकार से मौलिक अधिकार के अलावा मौलिक कर्तव्य भी जो है हम नागरिकों से अपेक्षित है। अगर हम कुछ चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि कुछ काम हम भी करें। तो एक राष्ट्रपति हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं उसे हम मौलिक कर्तव्य के रूप में जानते हैं। और आइए समझते हैं, हर नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, जो भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सभी भारतीयों के हृदय में संजोए रखने तथा उसे पालन करने के योग्य बनाने की जो हमारे लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं उसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो कि 1976 में संविधान संशोधन के 42वें संशोधन द्वारा एक अधिनियम के रूप में जोड़ा गया था, भारत की संस्कृति को बनाए रखने और इसे बढ़ावा देने के अलावा मौलिक अधिकारों की तुलना में इन कर्तव्यों को लागू करने में विधायिका के हाथों को मजबूत करते हैं। यानी कि अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन करने के लिए कुछ 11 मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए जिनको कि हम अभी यहाँ पर देखेंगे। संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देखिए आपको ना ये अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें, आपसी भाईचारे को बनाए रखें, हम मिश्रित संस्कृति को जीवित रखें। भारत में क्या विविध संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, संस्कृतियों का हमें बहुत सारा लाभ मिलता है, बहुत सारी उसकी हमारे लिए जीवन में महत्व भी, तो उस मिश्रित संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, उसे सजोए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जो भी किया जाना चाहिए उसमें हमें अपना योगदान करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, हमारे आसपास का, हमारे देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सही से इस्तेमाल करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, देश में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना जिससे कि देश की वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक विकास संभव हो पाए उसे करना भी हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, भारत को अगर आगे लेके जाना है तो हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करना भी कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में हमारे लिए एक मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपना उत्कृष्ट करें, इसके लिए सरकारी प्रावधान भी हैं, मौलिक अधिकार भी हैं, तो जिनके माध्यम से हम अपना उत्कृष्ट अगर करते हैं तो हमारे समाज में भी बढ़ावा मिलेगा, समाज भी उन्नत होगा और हमारा राष्ट्र भी जो है आगे बढ़ेगा। सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने
6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में भेजे। देखिए ये जो अधिकार है ना, ये काफ़ी लास्ट में ऐड किया गया था, तो आप इसको समझ सकते हैं, इसको आप जो है शिक्षा के अधिकार से जोड़कर देख सकते हैं। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाए, ये भी जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि सूचना का अधिकार क्या है। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तो यहाँ पे सूचना और अधिकार इसको जोड़ के देख सकते हैं, सूचना प्लस अधिकार। तो सूचना का अधिकार क्या है इसे हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सूचना का अधिकार अर्थात यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्ष 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसके अनुसार, जिसे कि हम सूचना का अधिकार कहते हैं यानी कि RTI एक्ट भी कहते हैं, इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता, बस शर्त यह है कि RTI के तहत पूछे जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि आपका जो प्रश्न है वो प्रासंगिक भी होना चाहिए, सही प्रश्न होना चाहिए। आप PWD डिपार्टमेंट में जाके स्वास्थ्य संबंधित सूचनाएं नहीं मांग सकते, और आप स्वास्थ्य विभाग में किसी सरकारी अस्पताल में जाकर सड़क निर्माण के संदर्भ में प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो प्रासंगिक प्रश्न होने चाहिए, तथ्यात्मक प्रश्न होने चाहिए, यानी कि हम किसी सरकारी विभाग से विचार नहीं पूछ सकते, जैसे कि आप उसके विचार नहीं पूछ सकते जैसे कि आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए और कहाँ खर्च हुए, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, स्कूल कॉलेजों हॉस्पिटलों में कितना कैसा खर्च, जैसे सवाल सूचना के अधिकार के तहत पता कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें कि आपके यहाँ रोड बन रही तो कितना खर्च हुआ, क्या क्वालिटी का मटेरियल लगा, कौन सा वेंडर था, कौन सा ठेकेदार था, स्कूल में अगर सरकारी संस्थाएं हैं जैसे कि अगर आपके यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कितने नर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, क्या क्या दवाइयाँ आती हैं, कितने बेड हैं, ऐसी चीज़ें आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत पूछ सकते हैं, यानी कि सूचना के अधिकार के तहत किसी भी सरकारी संस्था में जाकर वहाँ के क्रियाकलापों से संबंधित, वहाँ पे होने वाले खर्चे के संबंध में, वहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें चलाई जा रही हैं उसके संबंध में आप अपने प्रश्न RTI के प्रक्रिया के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके कुछ फायदे हैं और इसके प्रयोग भी हैं। कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है, ये बड़ी बात है। पहले किसी भी विभाग में जाना और प्रश्न पूछना मतलब कि असंभव सा लगता था, लेकिन RTI की मदद से आप अब जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो कि सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने में मदद करता है। अब क्योंकि लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि दैनिक क्रियाकलाप कैसे चल रहे हैं, RTI की मदद से आप किसी भी सरकारी कार्य में हो रहे प्रगति का आप एक तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी विभागों में पारदर्शिता आती है, जो भ्रष्टाचार की परिस्थितियां आती हैं निश्चित रूप से उसमें थोड़ी थोड़ी कमी जरूर आएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब भ्रष्टाचार जो है ना के बराबर या बिल्कुल शून्य हो सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही एक बड़ा कदम है। सब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो सभी, जिसमें कि आप देखोगे यहाँ पर कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिजली की कंपनियाँ, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां RTI एक्ट के अंदर आते हैं। लोगों ने RTI के इस्तेमाल में ऐसी कई जानकारी हासिल की है जिससे उनकी रोज़मर्रा के जीवन की समस्याएं सुलझ जाती हैं। सरकार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इसके अंतर्गत नहीं आती। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य के स्तर पर सुरक्षा या ऐसे कोई मामले जैसे कि राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता के ऊपर प्रश्न आए, ऐसी कोई गोपनीय जानकारी RTI एक्ट के तहत नहीं दी जाती। प्राप्त करने के लिए क्या है कि हर एक विभाग में देखेंगे, हर एक सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी होते हैं, आप अपने आवेदन पत्र उनके पास जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए और RTI की एप्लीकेशन आप किसी भी भारतीय भाषा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या किसी भी स्थानीय भाषा में लिखकर पूछ सकते हैं। आप अपने आवेदन पत्र की फोटोकॉपी करवा लें और जन सूचना अधिकारी से रिसीविंग जरूर प्राप्त कर लें, और RTI online.gov.in इस साइट पर जाकर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र डालने के 30 दिन के अंतर्गत आपको जवाब मिल जाएगा, यदि ऐसा नहीं होता तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये की फीस लगती, ये फीस गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए माफ़ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी बात है। आखिरी के दो प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 9, भारत में या फिर कहीं पर भी गरीबी के प्रमुख कारण कौन से। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि अत्यधिक
जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या के कारण क्या होता है कि सभी लोगों का जो है भरण पोषण कर पाना नहीं संभव पाता। तो पहला कारण तो अत्यधिक जनसंख्या। इसके लचर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है तो लोग उतने योग्य और कुशल नहीं है जितना कि उनको होना चाहिए, तो उनकी उत्पादक क्षमता, उनकी सोचने की क्षमता भी कम है, तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार जैसी स्थिति या फिर बेहतर करना भी जो है, जो कि अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, उसमें भी कहीं कहीं कमी है। तो शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियाँ, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी यानी कि सरकारी द्वारा भी और जो आपके उद्योग हैं उनमें भी जो है उस गति से विकास नहीं हो रहा है जिससे कि वो नए नए लोगों को रोज़गार दे सके। तो सरकारी संस्थाओं के साथ साथ जो आपके निजी संस्थाएं हैं वहाँ पर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है जिससे कि रोज़गार के नए नए अवसर आपके सृजित हों, नए नए अवसर उपलब्ध हों जिससे कि लोगों को रोज़गार के अवसर मिल पाए। साथ ही साथ विफल सरकारी योजनाएँ, बहुत सारी योजनाएं रोजगार को लेकर बनाई जाती हैं लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो वो योजनाएं विफल हो जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा पूंजी की कमी के कारण जो है एक गरीबी होती है, लोगों के पास में घर में परिवार में सदस्य ज़्यादा हैं लेकिन पूंजी के स्रोत यानी कि जीवन यापन करने के लिए जो धन की या पूंजी की आवश्यकता होती है ये कम है और इसी कारण लोगों का जीवन स्तर जो निम्न होता है जो कि गरीबी का एक बड़ा कारण। आर्थिक संसाधनों का अविकसित होना भी, देश में संसाधन, प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, देश में संसाधन यानी कि पूंजी विकसित करने के बहुत सारे अवसर हैं लेकिन उनका विकास जो है अभी पूरी तरह से नहीं हुआ, अविकसित स्थिति में। तो लोगों के पास में रोजगार करने के नए नए तरीके या वैसा कौशल नहीं है जिससे कि वो अपने जीवन में बेहतर कर सकें। कम राष्ट्रीय संपत्ति, भारत अभी एक विकासशील देश है तो कहीं ना कहीं विकास की जो गति भारत की है वही हमारे यहाँ पे या फिर उस देश की लोगों की भी होती है जो राष्ट्र की होती है। आर्थिक विषमता, देश में जो पूंजी की एक बोल सकते हैं विषमता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनाढ्य हैं, बहुत ज़्यादा धनी हैं तो कई लोगों के पास में दो वक्त के भोजन के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है, धन नहीं है। जनसंख्या में बार बार बता रहा हूँ कि तेजी से वृद्धि एक बड़ा कारण है, असमान वितरण भी जो जनसंख्या का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। कृषि में भी पिछड़ापन है, जितने आवश्यकता है उसके हिसाब से कृषि को बेहतर करना और बेहतर से ज़्यादा बेहतर कर पाना ही कहीं ना कहीं गरीबी को दूर करने का कारण है। तो जिस देश में कृषि में पिछड़ापन है वो राज्य उस स्थान के लोग भी जो है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। सहायक उद्योगों का अभाव और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होना और उससे और आगे बेरोजगारी उत्पन्न होती ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आखिरी पॉइंट है आतंकवाद क्या है। देखिए आतंकवाद क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आतंकवाद क्या है, उदाहरण सहित मैंने आपको बताया। आतंकवाद, अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक राजनीतिक विचारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी देश या किसी देश के नागरिकों को या उनकी सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे हम आतंकवाद कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पे बताया गया कि मान लीजिए कोई संस्था है, कोई एक व्यक्ति हो या लोगों का समूह हो या कोई संस्था हो या कोई देश हो, जब वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने विचारों को पूरा करने के लिए, अपने विचारों को किसी दूसरे लोगों के ऊपर थोपने के लिए जब बल का प्रयोग करता हो, डराने का प्रयोग करता हो, तो इस परिस्थिति को जो है हम लोग आतंकवाद कहते हैं। गैर राज्यकारकों जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर द्वारा किए जाने वाले राजनीतिक एवं वैचारिक हिंसा को भी हम आतंकवाद की श्रेणी में डालते हैं। थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन मैंने आपको दिया। तो आतंकवाद होता क्या, जब कोई व्यक्ति अथवा समूह अपने राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक नियोजित तरीके से, संगठित तरीके से और व्यवस्थित हिंसा के द्वारा लोगों में भय की स्थिति को पैदा करता है तो इसे हम आतंकवाद कहते हैं। और अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आतंकवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर निर्जातीय आतंकवाद एक स्वरूप है। इसके अलावा धार्मिक आतंकवाद, विचाराधोन्मुख आतंकवाद, तो ये अलग अलग प्रकार के आपके आतंकवाद के स्वरूप है। निर्जातीय आतंकवाद यानी कि विभिन्न निर्जातीय समूह में पहचान संकट, संसाधनों का संकट और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की संकल्पना के फलस्वरूप होने वाले यानी कि
अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों के बीच में जो वैचारिक मतभेद होता है उसके कारण भी कई बार लोगों के बीच में जो है मतभेद होता है। आप देखेंगे कि वहाँ पर संघर्ष की स्थिति होती है। ये स्थिति भी जो है कई बार एक धार्मिक संस्था द्वारा दूसरी धार्मिक संस्था के ऊपर काफ़ी आप बोल सकते हैं कि काफ़ी जघन्य रूप से किया जाता है, जिससे कि जान माल का नुकसान होता है। तो ये भी स्थिति एक आतंकवाद की स्थिति है। धार्मिक आत्मा, धर्म के आधार पर अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाया जाए तो ये भी एक धार्मिक आतंकवाद है। धार्मिक आतंकवाद का बेसिक आधार यही है कि अपने धर्म को उच्च मानकर किसी दूसरे धर्म के मान्यताओं को न मानना या उसका तिरस्कार करना, और अपने धर्म की बातों को थोपने के लिए बलपूर्वक जब प्रयोग किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ये धार्मिक आतंकवाद है। विचारात्मक आतंक, यदि सुनियोजित हिंसा का उद्देश्य साम्यवादी तत्वों से प्रेरित हो उसे वामपंथी आतंकवाद या नक्सलवादी आतंकवाद कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो हमने पूरा जो है वर्ष 2022 का प्रश्न सॉल्व किया है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल लगेगा। इसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।